नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग वाला में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज रीट की वैकेंसी को लेके कि जो रीट की वैकेंसी है कब होगी कब नहीं होगी, साथ ही जो लेवल सेकंड है रीट का उसमें कितने पद और बढ़ेंगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे बढ़ेंगे, इस पर कंप्लीट वीडियो होने वाला है। आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इससे क्या होगा कि इसी प्रकार की और भी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी मेरे भाई। ठीक है, जो आज हम बात करने वाले हैं तो आज का एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें दिया है कि बढ़ सकते हैं लेवल 2 के पद। लेवल 2 के जो पद है वो बढ़ सकते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी किसकी, मतलब थर्ड ग्रेड की शिक्षक की वैकेंसी थी, इसकी एग्जाम भी किसकने वाली है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसकी पूरी की, मतलब इसमें हुआ क्या है, इसकी कंप्लीट नॉलेज हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लेवल 2 है उनके पदों को बढ़ाने की मांग थी। ठीक है, लेवल 2 के पदों को बढ़ाने की मांग थी और उस मांग में हुआ ये कि कोर्ट के पास से फैसला गया था, उसके बाद में ये हुआ कि जो थर्ड ग्रेड की थी, मतलब थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी थी या थर्ड ग्रेड के जो टीचर थे थर्ड ग्रेड के, उनको क्या किया, सेकेंड ग्रेड में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी। मतलब उनकी जो प्रोसेस थी पदोन्नति की, वो प्रोसेस शुरू हो गई है। तो मतलब थर्ड ग्रेड के जो लेवल 2 के जो पद है वो और खाली हो गए। ठीक है, थर्ड ग्रेड में लेवल 2 के पद और खाली हो गए क्योंकि जो इसमें ऑलरेडी थर्ड ग्रेड में जो टीचर्स थे उनको सेकेंड ग्रेड में प्रमोशन मिल रहा है, उनको सेकेंड ग्रेड में प्रमोशन मिल रहा है। तो यही रीजन है कि जो एग्जाम है वो भी किसकेगी आपकी, क्योंकि मैंने बताया कि थर्ड ग्रेड के को सेकंड ग्रेड में मिल रहा है और इसी के अलावा वैकेंसी में पोस्ट बढ़ेंगी। तो उसके लिए एक बार कंप्लीट प्रपोर्मा बनने के बाद में यही कारण है, इन्होंने दिया यही कारण कि शिक्षा विभाग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभ्यर्थना भेजने में देरी कर रहा है। मतलब अभ्यर्थना इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि और भी पोस्ट बढ़ानी है। ठीक है, इसी पर हम बात कर रहे थे, आगे हम बात करें तो जो है इसमें दिया है समय पर नहीं हो सकेगी परीक्षा, तिथि बढ़ेगी। मतलब आपकी एग्जाम है वो भी समय पर नहीं होगी, बढ़ेगी। और बताया है इसमें कि जो पहले जो बात कर रहे थे अपन 46,500 पदों पे ये वैकेंसी होने वाली है, तो इसके माध्यम से हमें ये लग रहा है कि जो रीट लेवल है, रीट लेवल सेकंड है, इसमें पद और बढ़ेंगे और जल्द ही आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, इसी के साथ में इन्होंने दिया परीक्षा में 2.5 महीने पहले ही विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए, अभ्यर्थना आने के बाद ही परीक्षा तिथि को लेकर निर्णय करेंगे। हरीश शर्मा चेयरमैन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इनका ये बयान है। मतलब अभी भी अभ्यर्थना नहीं आई है, अभ्यर्थना तब आएगी जब ये प्रमोशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में कितने पोस्ट खाली है कितने पोस्ट नहीं खाली है, कि जो सेकंड ग्रेड के जो पद है सेकंड लेवल के जो पद है 25,000, उन पदों पे कितने वैकेंसी उनको देनी है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।